थाने के इलाके है, माहौल है बोकंग अब की बार। सुनील पुनिया को क्यों अच्छा यहाँ लागे है? दोया का ही टक्कर है न्यांगड़ी और की पार्टी और भी खड़ी है। बसपा कांग्रेस, बसपा कांग्रेस का की मोटा मोटा कौन यहाँ उरे कांग्रेस का कौन है? बसपा नंदलाल है बाद में केवल नंदलाल की रोड मनोज की टक्कर मानना निर्दलीय जीतड़ो है वो कांग्रेस की टक्कर में ना भाई। मैं तो सीधी बात है वोट तो आपनो तो देवा सीधी मोदी ने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रामदेव ऑटोमोबाइल्स। अब कम से कम डाउन पेमेंट और कम से कम कागज कार्रवाई, यानी कि आधार कार्ड लाएं और बाइक ले जाएं, तो आज ही विजिट कीजिए रामदेव ऑटोमोबाइल्स, राजगढ़ रोड सिद्धमुख। अगर आप घटिया क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरा से परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपके नजदीकी शहर सिद्धमुख में अब बेहतरीन क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, बेहतरीन क्वालिटी की एलईडी टीवी और साथ में ही आप बाइक और कार में जीपीएस भी लगा सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए सिद्धमुख सीसीटीवी सॉल्यूशन खेल ग्राउंड के सामने सिद्धमुख। ठीक है, अल्फा मोटर्स डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन, एलपीजी व सीएनजी व अलाइनमेंट सभी प्रकार की गाड़ियों का कार्य पर किया जाता है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सभी बीमा कंपनी की तरफ से कैशलेस में यहाँ पर गाड़ी का कार्य भी किया जाता है। तो आज ही विजिट कीजिए सांखू रोड राजगढ़ अल्फा मोटर्स। नमस्कार, मैं जतन सिंह और थे देख रहे हो चूरू झलक। और आज मैं राजगढ़ में थाना बताना लगातार चुनावी चर्चा है। राजगढ़ का जो शहरी लोग हैं वो बातचीत करा पा कि विधानसभा चुनाव में है वो बाजार है वो कैन आगे निकालना लग रहा है। अठे आज मैं पुरानों बात करूँ तो पुरानों 21 नंबर वार्ड है और नए मैंने अब 22 नंबर घोषित कर रखे हैं। 22 नंबर वार्ड है और एक बार दिखा दूंगा कैमरा मैन लूँ दिखावे लाइना के बिल्कुल पास में खड़े हूँ मैं। ये इन्हें अपनी ट्रेन वाली लाइन है और आठे के लोग हैं बस चर्चा करांगा पूछांगा ने माहौल है भूखे हुए 2023 के विधानसभा चुनाव। थाने पता है पूरे बीजेपी नंदलाल जी के पुत्र वधु आज नामांकन कर रहे हैं, कृष्णा जी पुनिया कर रहे हैं, पहले मनोज जी नांगली कर चुके हैं और कॉमरेड सुनील पुनिया भी नामांकन है वो आपको दर्ज करा चुके हैं। और निर्दलीय कुण अभी मैं पतो को नहीं कोई आवे या नहीं आवे बात बालक है, जैसे ही कोई नामांकन दर्ज होगा तार तक खबर पूछा दी जाएगी, लेकिन अभी माहौल है वो कहेंगे चल रहे हैं पूछना प्रयास करा। नमस्कार जी, पहले थे ही बता दो फेमस कर दो। नमस्कार भाई, आपको शुभ नाम बता दो रामकृष्ण प्रजापत। प्रजापत जी माहौल है केला गया था ना बाजार है वो आपकी तरफ कहीं जाओ भाई? मैं तो कदे चुनाव में चरसो तो कदे लियो को नहीं, मैं मेरे घर बैठो रहू खेत में चल जाऊ। भाई ये तीन खड़िया बताओ आप ने तो कहेंगे रैली में गया चार है, एक कॉमरेड भी है कॉमरेड था भाई। खेत में जाओ तो किसान भाई ध्यान भाई कॉमरेड भी है चार केला गया अब की भारी न्यू भी कौन ही जानवर आपको लेकिन थाने केला गया कौन सो निकल सके बाजार के अंदर भाई? बात को क्या बताऊं तीनों तीनों बराबर की टक्कर बताऊं मन तो न्यू गए तीनों बराबर की टक्कर है यार टक्कर कतरा मणि पहला तो न्यू का मनोज जी कृष्णा जी बराबर रहेगा बीजेपी तीसरे नंबर पे दिखाई रखी लेकिन नंदलाल जी आए बाद में फर्क पड़े। हाँ फर्क पड़े नंदलाल आए बाद में केवल नंदलाल की मनोज की टक्कर मानना भाई के लगा था ने नंदलाल जी या मनोज जी में कौन सो निकल सके या कृष्णा जी बात है बड़को कर्म कौन सो काम करे के बताओ बेरो गोरी। अच्छा कौन ध्यान कम रखो वोट ध्यान कम रखा चुनाव। अच्छा तार लो मनडो के कौन जीत जा मेरे लो मनडो के बताऊं मैं तो दोया में से बेरो गोरी कौन सो जी ना अपना तो जीत जा बढ़िया है जीतता वो अपना विधायक अपना जीतता वो नाम भाई। मैं तो सीधी बात है वोट तो आप अपनो तो देवा सीधी मोदी ने बस मोदी का नाम से वोट देवा मोदी नाम है तो नंदलाल जी है बस तो कहीं गो अपन मोदी ने वोट देवा। अरे सारा ही सारा हम समझा दियो आने के मैं तो बीजेपी का नहीं हूं थाने थे बता दे थे बोलोगा कौन बोलो बोल के मैं बता लो भाई वार्ड से एक बात है कि नंदलाल जी अगर ऐसे नंदलाल जी अगर ऐसी क्यों इसको के कराइड नंदलाल जी को पहले एक बात है कि दो साल को एक बात है कि निर्दलीय जीतड़ो है वो कांग्रेस की टक्कर में। अच्छा इंद्र पुनियो को नहीं जीते वो जीते थो कार्य शैली राम सिंह गिरु की दोनों की एक है। हाँ। और माले सद्भावना से बात करनी है आदमी ठंडो आदमी है भटका को नहीं भरे। अच्छा मैं व्यवहार की बतरा बात करूँ थे बड़े अच्छे बतायो की वर्षालीनता तो नंदलाल जी थाने के लाए निकल जाएंगे पक्को निकल जाओगे रैली देखते ही निकल गए तो रिलेता तो कांग्रेस की ठीक रही बहुत ज्यादा रही ना कांग्रेस की वोट पड़ेगा जब बिगड़ जाओ कितना गिने जाए फिर मिल लिए मार के आज के 30,000 प्लस रैली थी तो 30 वो गिन लियो तो पछे बता दी ना के लगा था ने थारे हिसाब कांग्रेस के नंबर पर रस के तीसरे नंबर है कांग्रेस को दूसरे पे मनोज जी नांगली कमरेड भी तो लड़न लग रहा है जो किसान का कुछ कौन वो एक ही बात कुछ कौन सिस्टम बैठे एक बार रोजू आवांगा हूं लेकिन एक बार आंगो सारा प्रिच है वापस जान लिया और दर्शकों ने बता दिया ये है कौन के नाम आंगवा थर नाम बता दे मार दर्शकों होशियार मल उशार जी के लगा है माहौल है वो कहीं तरफ है माहौल ऊपर का मोदी जी के हिसाब से और जो पीछे योगी जी के जो काउंट के हिसाब से जो बीजेपी को जो माहौल बने है वो लग बीजेपी पहले तीसरे नंबर पर रेडी हो रहा है।
अब की बार चाण से कुण गिर पीछे की बात एक अलग थी। अब की बार जो नरेंद्र ये जो अपने बैठो दे सही ना ठेके का नंदलाल जी नाम था तो तीसरे नंबर पर थी बीजेपी रहे नंदलाल जी आना बहुत फर्क पड़े मतलब। एक बात है 40,000 वोट है नंदलाल का करना है। अच्छा खुद का 40,000 वोट है। हाँ, खुद का है। और बीजेपी वाला बीजेपी का 55,000 वोट है। अलग तो थाने क्या लगा है सारा मिल जाएंगे क्या 55 10 काट दे 85 तो मिले 80 में जीतने लग रहे है। 80 में जीतने रहे। हाँ तो कांग्रेस का कितना वोट रहा फिर तो हम देख लेते हैं। 30,000 आ जाए तो आ जाए 30-25 का सौदा हो रहे हैं। 30-25 का। हाँ 30 और 25 का सौदा बताओ और 22 नंबर में तो और है बीडी सिलगाओ बाद में पहले बात करांगा आपा तो आपने मार नाम तो बता दो नाम बताने में क्या मंगतू नाम है मेरो मंगतू नाम मंगतू जी थाने के अलग है माहौल लगे अपन ने बेरो कौन था बापा खेत में जावा घर आ जावा रोटी खाए तो भाई किसान नेता उठ रहे अभी बार बांगो अपन कौन मेरो कौन है किसान आदमी है लेकिन क्या खेत में ज्यादा जाए तो न्यूगा मन ध्यान में कौन ही और लोग हैं ऐ बोलेंगे ऐ सारा उम्मीद है पूरे दिन मोदी फैक्ट्री पूरे मोदी फैक्ट्री बोर्ड में कितना वोट रहा है बोर्ड में वोट तो बेरो होनी कितना फैक्ट्री वही है सारा मोदी मोदी वाले तो अब की बार और नंदलाल जी लेने मोदी वाले तो हाँ तो बन नहीं देना पड़ेगा ये भी मोदी खड़े हो वो तो दो पार्टी और भी खड़ी है बसपा कांग्रेस बसपा कांग्रेस का की मड़ा मोटा कौन आऊ रहे कांग्रेस का कौन बसपा का आऊंगा बसपा का जा कांग्रेस का कम है कांग्रेस कोई नहीं साफ ही है साफ ही है हाँ। और कॉमरेड आगा कॉमरेड का तो कोई आ जा थोड़ा जुड़ेड़ा है एक आधा थोड़ा जुड़ेड़ा और बातचीत करा आपा तो उरे ये बैठे है आऊं बात करा मुड्डा बैठे है थारो नाम के दर्शकान बता दे तो रामस्वरूप रामस्वरूप जी के लगा है माहौल है वो अब की बार कैंगो लग रहे थाने तो यहाँ लगा है का दोया का ही टक्कर है नांगड़ी और आगे के नाम है थारा जय निरान जी हाँ टक्कर से कोई है भी आगे मैंने कौन सा थोड़ा बहुत बीजेपी भारी है बीजेपी वाला है सारा आई मान लो आई मान लो कांग्रेस का कोई नहीं कतई कोई हो है बड़ी मारे साहब कम तो बोलो और मुकर के बोलो थे पढ़ना के खन्नी बनाओगे बाद में बना लिया ने हाँ कम है खुराक है तो खुराक तो आई तो खानी पड़े माने कम है क्यों है कैसे अब आपने खुल के बताओ कि थाने भेरो के बांध तो कौन जाए वोट कितना न्यू कौन भेरो थोड़ा कौन दे आंसर थाने भेरो बा बांध भेरो ऐ बताऊंगा आज उरा जाओ ऊपर जाओ बता रहे हैं कि तक टोटल क्या है वर्ल्ड में 1200 हजार एक पोल होगा तो जितना नंदलाल जी को थे माहौल बताओ कितना खेच ले जाएंगे अभी नए खंचे कहेंगे नसीम मलिक है उतना ही आएगा वो बढ़िया है वो जो पीछे को ना को ग्राउंड अप है जो खुद आंको निजी पर्सनल जो ग्राउंड है वो नंदलाल जी को एकदम टॉप में रेड है अच्छा ऊपर लो मोलो मोलो अब ये पंचायत से लेके और ये कुमारा के मोहल्ले के माउरे पानी भर रखे कृष्णा की सरकार थी पानी नाली बना के को निकाल सकी अच्छा हालात तो खराब है और नाली नुड़की कोनी देखो मैं दिखाऊंगा था ना निकल जाओ उठो भरो आ जाओ आठे भी की कोनी व्यवस्था ऐसी कि वार्ड है कि लाइन के पास में कुछ नाली वगैरह हुआ है तो पानी वाली परली साइड को पानी भरना है तो आठों निकास करने को कोई इशू कोनी कि पानी निकल जा गलिया में बह के जा सके हालांकि बटे थोड़ो सी नाली दिखे मैंने एक साइड में युवा है कुछ दो तीन बार पूछांगा थाने के लगा चुनाव चुनाव में ध्यान रखा करो नेता मेरा कौन सा खड़े हो रहे ये नंदलाल पुनिया कृष्णा और मनोज न्यांगड़ी और कांग्रेड सुनील पुनिया थाने के इलाके है माहौल है बोकंग अब की बार कांग्रेड सुनील पुनिया को क्यों अच्छा लगा सुनील पुनिया थाने मारसागर रेड है अपने धर्मशाला में लॉकडाउन का टाइम में जेंगी रोटी पुआई थी गरीबन से करो तो घर घर तक खानो पहुंचाए तो और बाकी किसान भी ले लड़ रहे हैं बीमो क्लेम कर दुआ रहे हैं बाकी बड़ा काम कर रहे हैं एक चीज तो मैं देखी मैं कई गाँव में जाऊँ जो युवा बोल रहा हूँ कैमरे के सामने बज जाए आगे उम्र छोटी लग गया मैंने कितनी उम्र है 15 साल है लेकिन ये जानकारी इतनी जोर की रखी कि सुनील पुनिया बैठे में कोरोना के टाइम में उरे रेड है धर्मशाला में खाना खुद की रोटी पोईडी है उरे सुनील भाई जी के सागे पोया करता हाँ मेरी खुद की सागे है उना सागे है उना की बाकी टीम थी और मारो मोहल्लो मिल के बनाने गरीबा बेली खानो बनाऊ तो आर्मी बना दे के आऊं था माता मंडी टिब्बो और आसपास को जितनों भी एरियो है ना जे माता मंडी टिब्बा के अंदर ज्यादा सप्लाई होती प्रत्येक दिन प्रत्येक शाम का और प्रत्येक सुबह में कम से कम 700 सप्लाई देता 700 जना ने खाना बांट के लागे कौन जितना चाहिए
ये दोनों युवा कॉमरेड के साथ में है, हालांकि बुजुर्ग है नंदलाल जी के साथ में है, और एक शाही कला भाई साहब रुके बाद पूछांगा। आ जाओ भाई साहब, आओ आओ आओ, दो मिनट बात करांगा, थोड़ी सी बातचीत में क्यों थारो थारो टाइम घणो को लिया, पहले तो नाम बता दो थारो। उनका नाम है के लागे थाने माहौल है वो अब की बार कहूँ है माहौल सही है सही कहूँ है फिर कांग्रेस को है बसपा को है नंदलाल जी को है कांग्रेस को है कांग्रेस जीत जाएगी जीतना चांस है चांस है आज अरे लिम गएगी कितनी की बीड़ी ठीक है बीड़ी अच्छी लगी। ये देखो ये कहे कांग्रेस जीत जाएगी, हालांकि वार्ड में ज्यादातर लोग यह कहें कि नंदलाल जी को वो है पूरे माहौल है, हालांकि युवा जो मिला मैंने बेन्यू बोला कि अठे माहौल है वो खड़े खड़े आए युवा की तरफ आंगो दिल जो जीत रखे है कॉमरेड सुनील पुनिया है सब अलग अलग है अपने और भी उरे कोई आओ तो कोई जाओ तो दिखा गो तो आप बातचीत है बात ने कराने की प्रयास में जरूर करूंगा इन्हें है क्या कह। चलो अभी दूसरे चौक में चलांगा वार्ड में और बठे आप बातचीत करांगा की उरे तो लोगों बातचीत आप कर ली बठे भी चलांगा और बठे भी बातचीत आप करांगा और बंग माहौल है अठे को वो क्या है वो थाने बताने को प्रयास में करूंगा।